सरदार सुखबीर सिंह बादल दे बयान दा अजकल सिख संगतां नोटिस नहीं लैंदियां क्योंकि उन्हां नूं पता है कि जदों दी उन्हां ने पंजाब दी विधानसभा गवाई है सत्ता गवाई है विरोधी धिर भी विधानसभा च नहीं बैठ सके और केंद्रीय पार्टी बीजेपी दे नाल उन्हां दा अलायंस टुट चुका है। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रबंध उन्हां दे हत्थों जांदा रहा, श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट वखरा बन गया और इसे तरह हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं सुप्रीम कोर्ट दे विचों कानूनी मानता प्राप्त हो गई है। उस वेले तो सुखबीर सिंह बादल ऊल जलूल बयान जिहड़े ओह दिंदे रहिंदे आ, सो अज भी जिहड़ा उन्होंने बयान दिता मेरे बारे मैं उहदे संदर्भ विच कहना चाहुंदा कि सरदार सुखबीर सिंह बादल नूं अजकल दादू वाली दिसदा है कि हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दादू वाल ने बनाई है कि हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे विच 38 मैंबर हरियाणा सरकार ने नवी अडहॉक विच पाए ने। पहला भी जिहड़े मैंबर सन किसी का नाम सुखबीर सिंह बादल नहीं लेंदे, उन्हां नूं दादू वाली क्यों दिसदा है कि हुण कानूनी मानता जिहड़ी उह भी दादू वाल ने दवाई है, नवी अडहॉक भी दादू वाल ने बनाई है। सो इस तरह की बयानबाजी करनी कि दादू वाल बीजेपी का फ्रंटमैन है, RSS का फ्रंटमैन है और इस तरीके दे नाल कह के सुखबीर सिंह बादल अपने मन नूं तसल्ली देनी चाहुंदे आ। सो मैं इत्थे सिर्फ इको गल कहनी चाहुंदा कि सरदार सुखबीर सिंह बादल ऊल जलूल जिहड़ी बयानबाजी करदे रहिंदे आ उन्हां तों किसी नूं सिख होण दा सर्टिफिकेट लैण दी लोड़ नहीं है। इह समें ने दस देना कि कौड़ा कौम दा गदार है ते कौण सरदार है। अज तक जिहड़ियां बादल परिवार ने सिख पंथ नाल गदारियां कीतियां ने, जो साडियां श्रोमणी संस्थावां दा हसर कीता है बादल परिवार ने, जिहड़ा हालात साडे तख्तां दे प्रबंध दा श्रोमणी कमेटी ते श्रोमणी अकाली दल दा कीता, उह सारी सिख कौम जाणदी है, पंथ जाणदा है। असीं गुरू दे दर दे सेवादार हां। मैं कहना चाहुंदा सुखबीर सिंह बादल नूं जेकर उहनूं दादू वाल दे गनमैन जां सिक्योरिटी तों इन्ना दुख लगदा है तां सुखबीर सिंह बादल मेरे नाल किसी भी TV चैनल ते आ जावे और सुखबीर सिंह बादल नूं मैं जवाब देंगा। जिहड़ा भी उह कोई सवाल करेगा ते मेरे सवालां दे जवाब सुखबीर सिंह बादल देवे कि उह सवेरे उठ के कि पंज बाणियां दा नितनेम करदा है, पंज ककार है ने, कि उहदे कोल गुरबाणी दे अर्थ उहनूं आउंदे आ, कि उहनूं इतिहास बारे कुछ पता है। उह तां संत फतेह सिंह दी बरसी ते जा के राह विच पुछदा कि संत फतेह सिंह कौण होया सीगा, मास्टर तारा सिंह कौण सीगा। और मैं सुखबीर सिंह बादल नूं कहना चाहुंदा कि मैं प्यो वाली विरासत ते नहीं बैठा, मेरे ते काल पुरख वाहिगुरू दी कृपा संगतां दा आशीरवाद है। ते जिवें कहिंदे हुंदे आ असीं शिकारी ने अपना शिकार मार के खादा, किसे दे घोरने वल नहीं झाके। सुखबीर सिंह बादल अपने प्यो दी बनाई हुई विरासत दे उत्ते जायदाद दे उत्ते बैठिया होया, जदों कि सुखबीर सिंह बादल दी कोई भी काबिलियत नहीं है उह सिक्योरिटी छड्डण दा। उहदे कोल तां केंद्र दी सिक्योरिटी है, Z सिक्योरिटी है, ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਨਮੈਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਲ ਜਲੂਲ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚਮਚੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੁਛ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।